हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नोकिया TA-1066 में ईयर स्पीकर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ईयर स्पीकर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे जम्पर द्वारा, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे ईयर स्पीकर के चार पॉइंट दिए गए हैं, ये हमारे ईयर स्पीकर के पॉइंट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जम्पर कैसे करेंगे ये बताता हूँ। तो यहाँ से एक जम्पर हम लगाएंगे और यहाँ पर एक जम्पर लगाने के बाद इस वाले कंपोनेंट्स पर लगा देंगे, और दूसरा जम्पर जो है वो हम यहाँ से एक जम्पर लेंगे और दूसरा जम्पर इस वाले कंपोनेंट्स पर किसी भी साइड लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जम्पर कहाँ से कहाँ पर और किस तरह से करने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से जम्पर करने हैं। इस तरह से जम्पर करने से आपका ईयर स्पीकर वर्क करने लगेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।